ये है सवितर्क न्यूज, सच की आवाज। बिलासपुर से नीलेश मसीह की खास खबर। तहसील में चल रहा है समानांतर प्रशासन, आम आदमी है परेशान। बिलासपुर तहसील में भू राजस्व संबंधित काम का हाल बेहाल है। इस कार्यालय में तहसीलदार और नायब तहसीलदार का समानांतर प्रशासन चल रहा है, जिसका सारा पेपर कार्य पूर्ण है, आदेश हो चुका है, उन्हें भी महीनों से घुमाया जा रहा है। बिलासपुर तहसील कार्यालय में काम करने वाले अधिवक्ताओं ने विगत दिनों इस परंपरा के विरुद्ध नारेबाजी कर एसडीएम को 15 दिवस का अल्टीमेटम भी दिया है। हमने जब इस विषय में एसडीएम से पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें ऐसा कोई पत्र या कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जब हमने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष से पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरी घटना से एसडीएम वाकिफ है, फिलहाल तहसील का हाल बेहाल है, जमीन संबंधित कार्य करने वाले अनावादिक लोगों का काम प्राथमिकता से हो रहा है, जबकि आम आदमी का काम नहीं हो रहा है। 15 दिवस का अल्टीमेटम कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, व्यवस्था इतनी जल्दी बदल जाएगी लगता नहीं। ये है सवितर्क न्यूज, सच की आवाज। अल्टीमेटम कितने दिन हो गए? एक सप्ताह का अल्टीमेटम है, क्या सुधार पाए अभी 3-4 दिन में? अभी सुधार ये है कि चूल्हों में जो लगातार यहाँ के प्रशासन अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, वर्तमान में बैठ गए, न्यायालयीन कार्रवाई चल रही है। रेजिडेंट साहब का कहना था कि मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ करके कोई व्यवस्था नहीं है। रेजिडेंट साहब बोले होंगे पर जिस दिन ये न्यायालय में वकीलों का प्रदर्शन हुआ स्थिति पे वहाँ पे मौके पर नहीं गया। तहसील में जो काम कर उनका कहना था कि ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए किया गया, क्योंकि काम उनका भी पब्लिक उतना नहीं है जितना इनका किया हुआ है। जी ऐसा बात नहीं है, वकीलों का किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं होता। शहर के भू माफिया आप शाम को 6 बजे आकर देखिए, लंबी लंबी गाड़ियां रहती हैं यहाँ पे, सिर्फ उनका काम हुआ है, वकीलों का काम नहीं हुआ। नहीं, उनका कहना है कि चंद वकीलों ने दबाव बनाने के लिए धरना प्रदर्शन नारेबाजी की। सरासर गलत बात है ये, इसलिए कि आप प्रत्येक न्यायालय में जाकर देखिए कि पुराने कितने प्रकरण लंबित है और क्यों लंबित है, आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी यहाँ कितने प्रकरण लंबित हैं? हजारों की तादाद में होंगे कम से कम। तो ये मामला आज का तो नहीं रहोगे, बहुत लंबा मामला रहोगे। विद है, आज करेंगे, देखते हैं कल करेंगे, सुनवाई होगी वगैरह वगैरह तक। और जो प्रकरण 2017-18 से लंबित है उसके संबंध में हमने पूर्व में भी कलेक्टर साहब को बताया था, एसडीओ साहब को भी बताया, वो बंडल बांध के रखती है, काफी सब किसी प्रकार सुनवाई भी नहीं होती, कार्रवाई भी नहीं होती। संभाग आयुक्त के पास भी आप लोग गए थे? नहीं, वो संभाग आयुक्त को बहुत पहले दिए थे। अच्छा, बहुत पहले दिए थे, मंजारे साहब थे, मंजारे साहब को हमने दिया। हालात आज भी वही जी। ये है सवितर्क न्यूज, सच की आवाज। बिलासपुर से नीलेश मसीह की खास खबर।